बड़सर उपमंडल के दादरू ग्राम पंचायत के तहत पड़ने वाले गांव बनकोट में लगातार बारिश होने से आनंद ठाकुर के घर के साथ लगते नाले में पानी का बहाव अधिक होने के कारण आनंद ठाकुर के घर साथ लगा डंगा पानी से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण आनंद ठाकुर के घर के लिए खतरा पैदा हो गया है। आनंद ठाकुर की पत्नी निशा चौहान ने बताया कि लगातार बारिश होने के साथ लगते नाले में बहुत पानी आया, जिस कारण उनके घर के साथ लगता डंगा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे उनके रिहायशी मकान को गिरने का खतरा पैदा हो गया है। निशा ने बताया कि पिछले साल भी ये डंगा बरसात में गिर गया था, जैसे तैसे आनंद ठाकुर ने बड़ी मुश्किल से खुद ही डंगे को लगाया, मगर पंचायत को अवगत करवाने के बावजूद भी ये डंगा नहीं लगाया गया। इस बार फिर से बरसात होने के कारण डंगा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण उनके रिहायशी मकान को खतरा हो गया है। आनंद ठाकुर ने जिला प्रशासन और पंचायत से घर के पास डंगा लगाने की गुहार लगाई है। भाई साहब, बैठी समस्या जो ये है कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, बारिश के कारण जो है हमारे लैट्रिन बाथरूम को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, और इतना बहुत ज़्यादा नुकसान है। आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है डंगा जो है घर के साथ आसपास जो सारी जगह है वो सारी जो है धंस चुकी है। रिपोर्ट तो हमने कल दे दी थी, प्रधान को बताया था, BDC मेंबर को भी बताया, लेकिन अभी तक कोई उनकी तरफ से कुछ भी नहीं, हमें सहायता कुछ भी नहीं आई है। अच्छा, आ गया। आया देखने के लिए भी नहीं आया कि हाँ हुआ क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं हुई है। जो एक साल पहले हुआ तो वहाँ वो भी कुछ भरपाई नहीं आए, तो काफी हैं, कर्मचारी भी आए हैं, अधिकारी भी सब आए, लेकिन एक कागजी मात्र रह गया, कुछ भी नहीं किया है उन्होंने यहाँ पर। हाँ, हम सब जगह की थी, मुख्यमंत्री को भी हमने लेटर लिखा हुआ था, फिर जो हमारे यहाँ ब्लॉक में हमने दिया था DC उन्ना, जो जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी, पिछले साल की बात बता रही, जहाँ से तबाही स्टार्ट हुई थी उसका DC उन्ना को भी भेजा था, DC हमीरपुर को भी भेजा है, लेकिन कहीं से भी कोई नहीं, कुछ भी नहीं। हमने लेटर भेजे हैं मेरे घर वाले ने, मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा उन्होंने इसके लिए तो पता नहीं दिन रात कहाँ कहाँ वो जाते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, कोई भी नहीं हुई। अब आगे आप क्या चाहते हैं इसके बारे में? बस मेरे यही दरख्वास्त है, हम क्या बोल रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं कि DC महोदय खुद आकर यहाँ पर, पंच प्रधान जो आएंगे तो सभी यहाँ देखने के लिए मौका देखेंगे, जैसे आप आए हैं रिपोर्टर बनकर हमारे ले रहे हैं, आएंगे तो सभी यहाँ पर सिर्फ एक बोलेंगे हाँ ठीक है बहुत नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, कुछ भी नहीं करते। मैं यही DC महोदय से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आकर यहाँ पर हमारी समस्या का समाधान जो जल्दी से जल्दी करें। आने जाने की समस्या तो हम लोग जब से देखो, मेरी शादी को 15 साल हो गए, तभी से हम लोग जो है सड़क के लिए, उससे पहले भी जो हमारे ससुर जी हैं अब नहीं है, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने कई बार, लेकिन सड़क का भी कोई परिवहन है, आने जाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सुविधा नहीं है, हर सामान जो है सर के ऊपर उठा कर लाते हैं हम लोग।